सोशल मीडिया पर इस वक्त एक बहुत बड़ा हंगामा हो गया है। जी हाँ, करणवीर बोहरा पर एक बहुत बड़ा एलिगेशन लगाया है और किसने, ये मैं आपको बताती हूँ। वेल हेलो गाइस एंड वेलकम टू फीफा फूज, मैं हूँ ज्योति नाहक। आप सभी को बता दूं कि इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जी हाँ, देखिये, अंजलि अरोरा, जो कि ये भी माना जाता है कि लॉकअप की सबसे ज्यादा हाईएस्ट पेड कंटेस्टेंट है, इस वक्त उन्होंने करणवीर बोहरा पर एक ऐसा एलिगेशन लगाया है जो आई थिंक करणवीर के इतने बड़े करियर में, जी हाँ, वो कई सालों से इंडस्ट्री में है लेकिन इतने बड़े करियर में कभी भी किसी ने भी ये इल्जाम नहीं लगाया होगा करणवीर पर। वेल, आप सभी को बता दूं कि इस वक्त ये अपडेट सामने आई है और कहा जा रहा है कि अंजलि अरोरा हैज क्लेम्ड व्हाइल एंटरिंग द लॉकअप, करणवीर बोहरा ऑफर्ड हर टू फेक अ लव रिलेशनशिप विद हिम टू गेट बेनिफिट इन द शो। अब ये बात बहुत ही ज्यादा बड़ी हो जाती है क्योंकि सबसे पहले तो ये बात करणवीर के लिए आ रही है जो ऑलरेडी एक एस्टैब्लिश्ड एक्टर है। अंजलि इस वक्त हालांकि सोशल मीडिया पर काफी पॉपुलर है लेकिन अदरवाइज अगर आप घर घर की बात करें तो लोग करणवीर बोहरा को जानते हैं क्योंकि वो एक बहुत पॉपुलर टेलीविजन पर्सनैलिटी है। ऐसे में यहाँ पर परसेंटेज पूछा गया है, जी हाँ, जनता का, कि इस पर जनता की क्या राय है। सबसे पहले लिखा गया अंजलि इज फेक, कितने लोगों को लगता है कि अंजलि फेक है और झूठ बोल रही है, कितने लोगों को लगता है अंजलि कैन बी राइट। तो इसमें मैं आपको बता दूं कि साफ तौर पर और क्लियर कट विनर जो है, यानी कि आधे से ज्यादा जनता को लगता है कि अंजलि फेक है और वो झूठ बोल रही है। जी हाँ, यहाँ पर देखिए लेवल है, मैं आपको बताती हूँ। अंजलि इस फेक को मिले हैं 52% ऑफ वोट्स और अंजलि कैन बी राइट को मिले हैं 48% ऑफ वोट्स। एंड एक्चुअली करणवीर बोहरा को हमने इसके पहले कई रियलिटी शोज में देखा है, बिग बॉस में देखा है, मोर इम्पोर्टेंटली वो लास्ट तक रुके थे ऑलमोस्ट। लेकिन इस तरह का एलिगेशन लगाना बहुत बड़ी बात हो जाती है। करणवीर हमेशा से जाने जाते हैं अपनी तीन डॉटर्स, अपने प्रोफेशनल लाइफ के अलावा भी अपनी तीन डॉटर्स के लिए, अपनी वाइफ को वो कितना प्यार करते हैं, टीजे संधू को, और ऐसे में ये एलिगेशन डेफिनेटली बहुत शॉकिंग है। देखना ये होगा कि करण की वाइफ इस पर क्या रिएक्ट करेंगी, लेकिन इस वक्त आपका क्या है कहना, आप बताइए।